हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि हम लोग मेटल प्लेट्स के अंदर कैसे ड्रिल करें। वैसे तो ये ड्रिल करना बहुत ही आसान है, पर तब जब आपको इसकी पूरी जानकारी हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पर मेरे पास दो मेटल प्लेट है। जो ये वाली मेटल प्लेट है वो है 4 mm मोटी, और जो ये छोटी वाली आपको मेटल प्लेट दिख रही है ये है 6 mm मोटी। जरा थोड़ा मैं आपको पास से दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी मोटी प्लेट है ये। इसमें हम लोग ड्रिल करके देखेंगे। तो ये जो हमारी मेटल प्लेट है ये आप देख सकते हैं कितनी भारी भरकम है, पूरी 1.25 किलो की। और ये जो दूसरी मेटल प्लेट है, ये जो इसकी आधी है, इसका जरा मैं आपको वेट बता देता हूँ। तो ये भी है लगभग पूरे 1 किलो की, 920 ग्राम। तो जो हमारे बिगनर्स हैं, जरा मैं उनको बता देता हूँ कि वुड, मेटल और कॉन्क्रीट की बिट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है वुड की बिट। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। इस बिट के ऊपर ये नोक जैसा बना रहता है, इससे हमको मालूम पड़ जाता है ये वुड की बिट है। इसके बाद ये जो आपको दिख रही है ये है कॉन्क्रीट की बिट। इसको कैसे पहचानते हैं, इसके ऊपर वी टाइप का एक बना रहता है। ये दिख रहा है आपको वी टाइप का, ये इसके ऊपर बना रहता है। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि कंक्रीट की बिट है। अगर आप इसके एजेस देखेंगे तो ये इतने शार्प नहीं होते हैं। इसके बाद में फिर हमारी आती है मेटल की ड्रिल बिट। अगर आप इसके एजेस देखेंगे तो ये अच्छे खासे शार्प होते हैं, वुड के जितने नहीं होते हैं, बट हाँ शार्प होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी मेटल प्लेट में ड्रिल करना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गलत तरीका, उसके बाद हम देखेंगे सही तरीका। तो सबसे पहला गलत तरीका, हमने यहाँ पर पंच लेके इस पर हिट किया, और फिर हम क्या करते हैं, हमारे ड्रिल मशीन को एकदम तेज चलाते हैं। जरा अब मैं आपको इसको पास से दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी ये वाला हमने ड्रिल किया है और ये बहुत बारीक बारीक स्मॉल पार्टिकल्स निकले और यहाँ पर एक गड्ढा टाइप का बन गया, ये देखिए। तो इसका मतलब आपका ड्रिल गलत हो रहा है, और ये इतने बारीक स्मॉल पार्टिकल्स नहीं निकलना चाहिए जब आप ड्रिल करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे गलत तरीके की। दूसरा गलत तरीका है पानी डाल के ड्रिल करना। ये देखिए, थोड़ा सा मैं पानी लेता हूँ और ये मैंने इस पर डाला जहाँ पर हम लोग ड्रिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, पानी डाल के जो ड्रिल करना होता है वो एकदम गलत तरीका होता है। हम पानी डाल के ड्रिल करते हैं ग्लास पे या फिर टाइल्स पे, ताकि हमारी ड्रिल बिट जो है वो ठंडी रह सके, हमारा ग्लास और टाइल चटके ना। बट लोहे पे पानी डालने का कोई सेंस नहीं है। यह है दूसरा सबसे बड़ा गलत तरीका। अब मैं आपको तीसरा गलत तरीका बताने जा रहा हूँ, जो है, सपोज मेरे को 10 mm का ड्रिल करना है। तो ये मैंने 10 mm की ड्रिल बिट लगाई, और सपोज मुझे यहाँ पे ड्रिल करना है, यहाँ पे पंच मार्क कर दिया। अब मैं डायरेक्ट इससे ड्रिल करना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे अगर आप ड्रिल करेंगे तो आपको अच्छी खासी मशक्कत करना पड़ेगी, और आप सिर्फ परेशान होंगे, ड्रिल नहीं होगा। इसमें आपको 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा लग जाएगा, और यह है बिल्कुल गलत तरीका। तो अभी हमने देख लिए ड्रिल करने के गलत तरीके, जिससे ड्रिल हमारा मेटल प्लेट में नहीं होता है। अब हम देखते हैं सही तरीका क्या है। अब हम बात करते हैं कि हमें मेटल में ड्रिल करने के लिए कितने एमएम की बिट लगाना चाहिए। तो अगर आपको 6 mm या उससे बड़े होल करने हैं तो आपको बिट 6 mm की ही लगानी है। हाँ, यदि आपको 4 mm या फिर उससे कम का होल करना है, तब फिर आप कम एमएम की बिट लगाइए। अब सपोज मुझे यहाँ पर ड्रिल करना है, तो मैं एक पंच मार्क बना लेता हूँ। यहाँ मेरा पंच मार्क बन चुका है। पंच मार्क बनने के बाद आप यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। ये बेसिकली ल्यूब्रिकेंट ऑयल है, ये आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डालना है ल्यूब्रिकेंट ऑयल का, ये देखिए। इसके बाद अब आपको ऊपर से फोर्स देना है। फोर्स अच्छा खासा दीजिए, मगर जो आपकी ड्रिल मशीन है उसको आपको धीरे चलाना है। ये देखिए, मैंने बहुत धीरे धीरे ड्रिल मशीन चलाई है। अब मैं जरा आपको इसके चिप्स की क्वालिटी दिखाता हूँ। तो ये अब आप देखिए मेरे चिप्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये आप देख रहे हैं कितने मोटे मोटे मेरे चिप्स निकल रहे हैं, ये देखिए। तो आपके चिप्स की क्वालिटी बड़ी अच्छी निकलना चाहिए जब भी आप ड्रिल करें।
देखिए मेरे कितने अच्छे चिप्स निकले हैं, तो जरा मैं आपको पास से इनकी क्वालिटी दिखाता हूँ मेरे चिप्स की, कि जब आप धीरे धीरे ड्रिल मशीन चलाते हैं तो चिप्स कितने बढ़िया निकलते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बड़े बड़े चिप्स निकले, और वहीं यदि आप तेज ड्रिल मशीन चलाएंगे तो आपके चिप्स एकदम चूरा हो जाएंगे और इतनी अच्छी चिप्स की क्वालिटी फिर नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको 6 mm या फिर बड़े होल करने हैं मेटल प्लेट में, तो आप 6 mm की बिट लगाएंगे, मगर अब मुझे यहाँ पे 8 mm का ड्रिल करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 8 mm की बिट लगाऊंगा। ये जो है ये मेरा रहेगा डमी होल जो मैंने 6 mm की बिट से किया था, अब मैं 8 mm की बिट लगा के इसको बड़ा करूँगा। अगर आपके बड़े बड़े चिप्स निकल रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी ड्रिल बड़ी अच्छी हो रही है, और आपका एकदम बिल्कुल बारीक चूरा निकल रहा है इसका मतलब आपका ड्रिल में कुछ दिक्कत है और आपको मशक्कत करना पड़ रही है। तो अब हम ड्रिल करके देखेंगे इस मोटे एंगल पे, जिस पे ड्रिल करना थोड़ा सा नामुमकिन सा होता है, तो देखते हैं इसमें ड्रिल कैसे होती है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने इस एंगल में भी बहुत जल्दी से ड्रिल कर दिया है, और ये चिप्स की क्वालिटी देखिए, सिंगल चिप्स निकला इतना बड़ा। तो पहचान यही है कि जितने अगर आपके चिप्स अच्छे बड़े बड़े निकलेंगे इसका मतलब ये है कि आपका ड्रिल उतना ही अच्छा हो रहा है, बस चूरा नहीं होना चाहिए, चिप्स निकलने चाहिए। चिप्स निकलेंगे तो बहुत जल्दी से आपका ये ड्रिल पूरा हो जाएगा। हमने इस 6 mm की प्लेट में ड्रिल किया है, और कितना प्यारा हमारा ड्रिल हुआ है। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे ड्रिल मशीन चला के बहुत ही अच्छे से ड्रिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपके अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे कि हमें मेटल प्लेट और एंगल में कैसे ड्रिल करना है। सिर्फ आपको रखनी है 3 बातें याद। सबसे पहला कि आपको ल्यूब्रिकेंट यूज करना है, दूसरा आपको चाहिए वेरिएबल स्पीड की ड्रिल मशीन, और तीसरा आपको ड्रिल मशीन चलानी है धीरे। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप ड्रिल मशीन 500 वॉट या उसके ऊपर की यूज करेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको उसमें अच्छा खासा पावर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आ सकें। और हाँ, यदि आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।